शुरुआत कर रहे हैं स्नो पार्क से। बाकी सब आ गए, अभी निकलते हम। चापोड़ा फोर्ट के लिए मिलते हैं आपको वहीं पे। चापोड़ा फोर्ट जाने से पहले एक नारियल पानी का स्टॉल है, वहीं पे रुके हम। पेट्रोल खत्म हो गया था, लकीली इनके पास फ्यूल था। 120 रुपीज़ का मिलता है और वो ऑलमोस्ट एक लीटर का होता है, पर ब्रेक चल रहा है, थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर निकलते हैं आगे। मिलते हैं आपको रोड पे। A few moments later. Guys, just पहुंचे हैं चापोड़ा फोर्ट। ये चापोड़ा फोर्ट की एंट्री है और यहीं पे लेफ्ट साइड में पार्किंग है। थोड़े बहुत सोवेनियर्स के शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। इतना भी स्टीप नहीं है, बट स्टिल चढ़ाने तो साथ खुले गया। तो ये सोफा रहा है, रिमेम्बर पहले यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती थी इस जगह पे, लेकिन अभी वो चेंज हो गया, पार्किंग नीचे बना दी उन्होंने। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। 120 स्टेप जैसा आपने सुना, बट मालूम नहीं पड़ रहा, काफ़ी स्पेस पे बनाया हुआ है तो कैन ईजिली क्लाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो है हमारा लक्ष्य, वहाँ जा रहे हैं हमें। थोड़ी दूर हम चढ़कर आए और देखिए ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत है। बस थोड़ा और रह गया, 120 स्टेप्स बोली गई थी हमें, आई डोंट नो कितने चढ़ गए हम, बस आ गया थोड़ी दूर तक। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, थोड़ा सा विंड ब्लास्ट हो सकता है बिकॉज हवा इस तरफ से आ रही है, तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना। बाकी आ गए हम फोर्ट पे, देख सकते हैं वाला स्पॉट आ गए। और मुझे दिल चाहता है पॉइंट जहाँ पर राज और मैंने फोटो खिंचा चुके हैं और मैं अभी बीच पे खड़े हो गया। प्लान कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, बिकॉज गर्मी ज़्यादा तो चलते नीचे, काफ़ी भूख लगी थी, आधी फैमिली चले गई है, मैं बैठ के फोटो खिंचा रहे थे। मिलते नीचे आपको। 2000 years later. ना ही हमने बागा किया, ना ही ये मारंबोल गए, ना ही कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की, हमें जाके फ्रेश हो गए और आ गए कालनपुर के टिबिकन मार्केट में। तो ये हम एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब टिबिकन लोग हैं, बहुत सारे सोविनियर्स हैं, आप घर के लिए की चेन है, पेंडेंट है, आप खरीद सकते हैं। ज़रा सा बैग लगा मुझे, अंकल ये कितने का? दिस इज ऑल टिबिटन थिंग ब्रो। ये बैग है, कुछ छोटे से पॉकेट बैग है। मैं अपनी बहन के लिए सोच रहा था लेने के लिए। वॉल हैंगिंग है एंड देन ब्रॉन्ज पेंडेंट है, ये मालाज हैं, आर्मिंग्स लगी हुई हैं, इयररिंग्स हैं, नॉट श्योर ये सिल्वर है या क्या है। सर एक तरीके से तो एडवर्टाइज ही कर रहा हूँ ना आपका। सर क्या बात है, सर क्या बात, ये बात है। बार्गेन हुआ कि नहीं भाई? नहीं कर रहे, मैं तो 250 में बोलती। मार्केट से बाहर आके कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कलंगुट मार्केट में जाके कुछ लेने के लिए। मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कुछ कपड़े मिल जाए। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है, गाड़ी पार्क कर दी है और हम शॉपिंग कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए। देखते हैं कुछ मिलता है तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से मार्केट शुरू हो गया है, ऐसे कपड़े दिखेंगे आपको।
घुसते किसी दुकान में। A few moments later. फाइनली प्लान हुआ कि शेक पे के खाना है तो बागा आ गए। लग रहा है वाइब्स तो है लेकिन वो पुराने वाली वाइब्स नहीं आ रही, बट स्टिल हम यहाँ बैठे हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल बागा बरालिया एंड देयर ऑफरिंग अस गुड टेबल, लेट्स सी। आज भाई और भाभी के साथ में कैंडल लाइट डिनर करेंगे। एम्बियंस अराउंड मी इज समथिंग लाइक दिस। बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाते वक्त बात नहीं करते, बट सबको बता रहे कि हमने आज वेज खाना है क्योंकि फ्राइडे के दिन राज नॉन वेज नहीं खाते और मैं सब दिन खाता हूँ। वही नहीं, पहली बार शेक पे खाना खा रही है, वेरी इन्जॉय। हमारी आधी फैमिली घर पे है, वो नहीं आ पाए एंड नहीं ये मैं नहीं पी रहा, ये राज पी रहा है। ओके तो यार बहुत थक गए वैसे, कल का प्लान कुछ होटल में जाके बता दें। The next morning. हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे इन गोवा। दिस इज डे 5। अभी चेकआउट कर रहे हैं रूम से, पैक पैक है, एक बार फिर भी जरा चेक कर लेता हूँ। ओके सो ऑल क्लियर, निकलते अभी नीचे जाते। देखिए जी, अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो खत्म हो जाता है, अब थोड़ा संभाल लेंगे। इन्होंने कहा है कि हम दो बोतल कैरी कर सकते हैं, अगर आप रोड से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं तो आप दो बोतल कैरी कर सकते हैं, और फ्लाइट से जा रहे हैं तो 6 बोतल कैरी कर सकते हैं। मैं इन्फ्लुएंस नहीं करता बट मैं ड्रिंक करता हूँ, तो मेरे डाइट के लिए मैं और फ्रेंड्स के लिए कुछ लेके जाना चाहता हूँ। तो कैब आ गई हमारी, ये है और दूसरी वो वाली, सब सेट एंड रेडी जी। ये पीछे हमारे होटल है, बड़ा प्यारा लग रहा है। एनीवेज ये गाड़ी हमारी यहाँ पर है और दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, फिर हम निकल रहे हैं, अभी मिलते हैं गाड़ी में। गाड़ी में बैठ गए, बस फिर हम पहुँच रहे हैं, 1:40 की ट्रेन है। लेट्स सी आगे का रास्ता कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगा और क्या फेयर है, सबको डिटेल्स मैं इनका नंबर भी आपको दे दूंगा ताकि आप जब भी आए आप इन्हें कॉन्टेक्ट करके एक फेयर डील लेके एक गाड़ी बुक कर सकते हैं घूमने के लिए भी और ड्रॉप पिकअप। तो फाइनली वी रीच थिविम स्टेशन, वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शेड्यूल है, तो ये चार्ट है बिकॉज यहाँ पर डिस्प्ले इंडिकेटर नहीं होता और ये चार्ट पे लिखा होता है। हमारी ट्रेन 11100 S6 10 नंबर। 2000 years later. तो आप टाइम देख सकते हैं 2:43, ट्रेन का टाइम था आने का 1:42 और ट्रेन पूरे 1 घंटे लेट है। यहाँ पर जो हाथ देखे ट्रेन रुका रहे हैं। उतर गए पनमेला एंड बिया मीटिंग फॉर खाने।